नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा RBI असिस्टेंट 2022 को लेकर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपेक्टेड मेंस डेट, किस किस को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंस का आपका एग्जाम कब हो सकता है और मेंस की प्रिपरेशन किन किन कैंडिडेट्स को करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि इस बार एग्जाम कैसा आया था, उसका पैटर्न कैसा था और कट ऑफ के क्या चांसेस हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए RBI असिस्टेंट 2022, इसके प्रीलिम्स के एग्जाम 26th और 27th को शेड्यूल्ड थे। तो 26th और 27th को, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ शिफ्ट नॉर्मल आई थी और थर्ड शिफ्ट का काफी टफ रहा था थोड़ा, तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन को देखने को जरूर मिलेगा। अभी हम तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश लास्ट ईयर के मुकाबले मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी से मतलब, वैसे तो लैंग्वेज इजी थी परंतु ट्रिकी उसके ऑप्शंस थे। मतलब अगर आप 2-3 ऑप्शंस देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं। मतलब 2-3 ऑप्शंस में आपको लगेगा कि कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं और उसमें गलती की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए इंग्लिश इजी लैंग्वेज में था परंतु ऑप्शन में ट्रिकी था। अब हम बात कर लेते हैं क्वांट की। ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में ठीक आया था और वो इतना भी ठीक नहीं था जैसे लास्ट ईयर के मुकाबले, इतना भी ठीक नहीं था क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशंस थे, जो क्वेश्चंस आए थे, वो काफी टाइम ले रहे थे। जहां पे हम सोच के गए थे कि वो कम टाइम में कर लिए जाएंगे परंतु वहां टाइम कंज्यूमिंग थे वो। उसी प्रकार अरिथमेटिक में भी टाइम कंज्यूमिंग था, DI सेक्शन भी थोड़ा सा टाइम ले रहा था, इसीलिए क्वांट में अटेम्प्ट्स थोड़े से कम हो पाए हैं। बाकी आप भी अपनी सहमति और असहमति कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आप हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। असहमति भी हो या आपके शिफ्ट में कुछ अलग हुआ हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। हम सभी का बराबर सम्मान करते हैं और आगे की वीडियोस में भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो क्वांट सेक्शन थोड़ा सा लेंथियर साइड में था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए इसमें थोड़े से अटेम्प्ट्स गिरे हैं। अब हम बात कर लें रीजनिंग की। तो रीजनिंग मोर और लेस ठीक रहा था, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उसको हम लास्ट ईयर से ही कंपेयर कर सकते हैं, इसमें ज्यादा लेंथी नहीं रहा। अब हम बात कर लें कि सर इसका कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पर। तो कट ऑफ थोड़ी सी लास्ट ईयर के मुकाबले तो रिड्यूस कंपेयर टू लास्ट ईयर। पर ज्यादा भी अंतर एकदम नहीं देखने को मिलेगा, 2-4 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का अंतर आपको देखने को मिल सकता है,
पर कोई वास्ट डिफरेंस देखने को मुझे लगता है कि ऐसा नहीं मिलेगा। इस बार जो एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया है वो भी काफी डाइवर्स है। जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि ज्यादातर कैंडिडेट्स ने मुंबई से ही फॉर्म फिल कर दिया था, परंतु इस बार सभी ने अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग जोन से अप्लाई किया है। तो वो एप्लीकेंट्स का जो डाइवर्सिटी है वो भी इस बार देखने को मिली है। मतलब सारे कैंडिडेट्स एक ही जगह कंसंट्रेट नहीं हुए हैं, वो डाइवर्सिफाई रहे हैं, अलग अलग स्टेट में कंपटीशन, सभी में हेल्दी कंपटीशन होगा। अब हम बात करें इसके मेंस का एग्जाम कब हो सकता है, तो उसके लिए हम आपको डेट बताना चाहेंगे। मेंस एग्जाम एक्सपेक्टेड, देखिए एक्सपेक्टेड हम लिख रहे हैं, परंतु काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये हम जो डेट बता रहे हैं उसी में ही होगा। ये एग्जाम 8th of May 2022 को शेड्यूल्ड है। मैं आपको उस दिन का डे भी बताना चाहूंगा, अप्रैल में 8th को संडे है आपका, तो आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। आपका ये अप्रैल है तो हमारा मेंस का एग्जाम 8th मई 2022 संडे को शेड्यूल्ड है। कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ रिड्यूस होने के संभावनाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश के बारे में हमने बात करी, ट्रिकी था थोड़ा, क्वांट टाइम कंज्यूमिंग था, और रीजनिंग मोर और लेस लास्ट ईयर से कंपेरिजन कर सकते हैं कि सिमिलर ही था। तो कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट देखने को बिल्कुल मिल सकती है, और कैंडिडेट्स भी इस बार डाइवर्सिफाइड रहे हैं, एक ही जगह कंसंट्रेटेड, मतलब जैसे कि मुंबई में ही सबने नहीं भरा है, इस बार सबने अलग अलग जगहों से भरने की कोशिश करी है, और वैकेंसीज भी सभी जगह बराबर, लगभग बराबर सी रही है। अब हम बात कर लेते हैं किन किन कैंडिडेट्स को इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसमें मैं कहूंगा कि अगर आपके अटेम्प्ट्स 90 के अप्रोक्स बन रहे हैं, अटेम्प्ट्स आपके 90 और 90 से ऊपर बन रहे हैं, तो आपको इसके मेंस की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। अटेम्प्ट्स 90 और 90 प्लस तो होगा ही, अगर 90 है तो 90 प्लस वालों को तो बिल्कुल करनी ही चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी आपकी बहुत मैटर करती है, कि अगर आपने 90 करे हैं और आपकी शिफ्ट भी अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफर थी, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपको मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो जाते हैं। इवन मैं कहूंगा अगर आपने 88 भी सही करे हैं, मतलब 88 भी अगर आपके अटेम्प्ट्स रहे हों और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, इसीलिए मैं यहां लिख देता हूं, 87 अटेम्प्ट्स भी आपके रहे हों, आपकी टफर शिफ्ट रही हो, तो उसमें भी आपकी संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में काफी मार्क्स का इंक्रीज हमने प्रीवियस पेपर्स में भी देखा हुआ है। और 90 से ज्यादा हैं आपके अटेम्प्ट्स, जैसे कई कैंडिडेट्स 93, 94, 95 भी करके आए हैं, तो और उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो उनके बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं, और आपको मेंस की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। इवन मैं कहूंगा 87-86 तक के कैंडिडेट्स भी जो हैं और उनकी शिफ्ट टफ थी या टफ नहीं भी थी और उनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, मतलब उनके सारे क्वेश्चन ज्यादातर सही होने की संभावनाएं हैं, तो आप लोगों को प्रिपेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी कट ऑफ डाउन भी जाएगी, और दूसरी बात आपको एक्यूरेसी के एक्स्ट्रा मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के मिलेंगे। और ये जो हमारी प्रिपरेशन होती है कभी भी बेकार नहीं जाती, दूसरे एग्जाम्स में भी आपके ये यूज में आएगी। तो अगर आपके 87-86 अटेम्प्ट हैं तो आपको बिल्कुल इसके मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और हम भी यही आशा करते हैं कि हमारे सभी सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हो। आरबीआई में कार्य करने का वैसे भी हर बैंकिंग एस्पिरेंट का सपना होता है, तो हमारी यही आशा रहेगी कि आपकी बैंक में कार्य करने की मनोकामना जो है वो इस बार बिल्कुल पूर्ण हो और आपका आरबीआई का सपना साकार हो।
तो इसमें हमने मेंस के एग्जाम की डेट 8 मई के बारे में बात कर लिया और किस किस को इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। 86-87 आपके अटेम्प्ट्स हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको इसकी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कहिएगा, तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। उसमें हम पूरा एस्पेक्ट से आपका डिस्कस कर लेंगे, वीकली टारगेट्स आपको बता देंगे जिस प्रकार से आप मेंस के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स कितना मंथ्स का हमें करना है अगर आप कहेंगे तो हम वो सब डिस्कस जरूर करेंगे। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारे IBPS PO का कितना कट ऑफ रह सकता है उस पर भी बहुत सारे वीडियोस हमने दिए हुए हैं, मेंस में कितने मार्क्स हों और इंटरव्यू में कितने मार्क्स की नीड होती है वो सब भी हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखें। उन वीडियोस में हमें आपका बहुत प्रेम बहुत स्नेह हमें मिल रहा है जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। IBPS क्लर्क पे भी हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, हमने 17 से 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कट ऑफ कैटेगरी वाइज डिस्कस किए हैं, उस पर भी आपका बहुत प्रेम बहुत स्नेह हमें मिल रहा है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर भी हमने वीडियोस दिए हैं, मार्केटिंग ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, राज्य भाषा अधिकारी, सभी पर हमने कट ऑफ कितना रह सकता है, मेंस में कितने मार्क्स ऊपर हों और इंटरव्यू में कितने मार्क्स की नीड हो वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके मन के जितने भी सवाल होते हैं वो हम सब इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी पर वीडियो चाहिए हो कि आगे हम कैसे प्रोसीड करें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हमारा प्रयास रहेगा सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचाने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही और आप अपने प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।